वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन। चंद्रशेखर वेंकट रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। इनके पिता भौतिकी और गणित के शिक्षक थे, इसलिए वे इन्हें बचपन से ही गणित और भौतिकी पढ़ाते थे, जिन दो विषयों के ज्ञान ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध बनाया। उनकी सशक्त नींव उनके पिता ने ही तैयार की थी। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले एबीएम कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। रमन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। इसी के चलते अपने कॉलेज के जमाने से ही उन्होंने शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। वे अपनी पूरी जिंदगी शोध कार्यों को ही समर्पित करना चाहते थे, लेकिन पैसों की तंगी के कारण वे कलकत्ता में भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। लेकिन इस दौरान भी जब उन्हें फुर्सत मिलती, वे बहुबाजार आते और इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस नामक प्रयोगशाला में अपने शोध कार्यों को जारी रखते। इस संस्था को कलकत्ता के डॉक्टर महेंद्र नाथ सरकार ने खड़ा किया था। रमन इस संस्था की प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते थे। ये अपने आप में एक आधुनिक हठ योग का उदाहरण था, जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद बहु बाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने का प्रयास करता। उन्हीं दिनों उन्होंने देशी और विदेशी वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का भी प्रयास किया। उस जमाने में प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ था। सर मुखर्जी ने रमन के सामने सरकारी नौकरी छोड़कर यहाँ पर प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लेने का प्रस्ताव रखा। रमन के लिए ये कठिन निर्णय था, क्योंकि उस जमाने में उन्हें सरकारी नौकरी में अच्छी खासी तनख्वाह और अनेक सुविधाएं मिलती थी। ऐसी हालत में उनके लिए सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधाओं वाली विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना हिम्मत का काम था। रमन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़कर सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। चार साल बाद यानी सन 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान जब रमन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल तैरने लगा, तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए, जिसकी परिणति रमन प्रभाव की खोज के रूप में हुई। रमन ने अनेक रवों अर्थात क्रिस्टलीय और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है, तो गुजरने के बाद उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। इसकी वजह ये होती है कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटोन जब तरल या ठोस रवे से गुजरते हुए इनके अणुओं से टकराते हैं, तो इस टकराव के फल स्वरूप वे या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या पा जाते हैं। ये दोनों ही स्थितियां प्रकाश के वर्ण यानी रंग में बदलाव लाती है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिमाण में अपनी ऊर्जा को खोता या ग्रहण करता है, उसी के अनुरूप उसका वर्ण परिवर्तित हो जाता है। रमन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। इसका पहला परिणाम ये हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे,
मगर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। इन सूक्ष्म कणों को फोटोन का नाम दिया गया। रमन की खोज ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया। रमन की इस खोज के बाद से अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना सहज हो गया। पहले इस काम के लिए रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद ली जाती थी, लेकिन रमन की खोज के बाद से पदार्थों की आणविक और परमाणविक संरचना के अध्ययन के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी अर्थात वर्णक्रमीयता का सहारा लिया जाने लगा। ये तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के रंग में हुए परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देती है। रमन प्रभाव की खोज ने रामन को कई पुरस्कारों और सम्मानों का अधिकारी बना दिया। उन्हें सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। उसके ठीक अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सन 1954 में उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। उन्हें और भी कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारतीय संस्कृति से रमन को हमेशा ही गहरा लगाव रहा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। वे कट्टर शाकाहारी थे। रमन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक ही सिमटा हुआ नहीं था। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। इसलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संस्थान की स्थापना की जो बैंगलोर में स्थित है, जिसका नाम है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नाम की शोध पत्रिका प्रारंभ की। 21 नवंबर सन 1970 को 82 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। चंद्रशेखर वेंकट रमन ने ये संदेश दिया कि हमें अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करनी चाहिए। हमारे आसपास ऐसी न जाने कितनी ही चीजें बिखरी पड़ी है जिनके रहस्य अभी तक अनसुलझे हैं। वे सभी किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जो उनको वैज्ञानिक दृष्टि से देख सके और उनका अध्ययन करके उनके रहस्यों को सुलझा सकें।